रामदास सर, ये क्लासमेट्स थे? यस सर, एंड गुड फ्रेंड्स टू। पेरेंट्स? एलिनोर कल्याणी के पेरेंट्स विदेश में हैं। गौरी, शी इज फ्रॉम अ पुअर फैमिली। बाप लॉरी ड्राइवर है और माँ घर संभालती है। उन्हें इतलाक कर दी है। ओके, फॉर्मेलिटीज के पूरे होते ही बॉडी को मॉक भेज दो। श्योर सर। आंखें खोलो गौरी, हम आ गए। गौरी, हम आ गए बेटा। देखो ना, आंखें खोलो बेटी। चलो चलो, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। चलिए चलिए चलिए। देखिए ना, हमारी बेटी, भगवान ने ये क्या किया। मिस्टर वेलायुधन। फादर, ये क्या कर दिया इन बच्चों ने? हमने आज तक हमारी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होने दी, फिर भी आज इन बच्चों ने। इसने कहा था कि देखना पापा, मैं पढ़कर बड़ी हो जाऊंगी तो सारे दुख दूर कर दूंगी। लेकिन देखा फादर आपने, हमारी बच्ची। फादर, वन मिनट। ये बच्चे स्कूल में कैसे थे? ये तीनों बच्चे पढ़ाई में स्कूल में सबसे अच्छे थे। इतना ही नहीं, डांस और म्यूजिक में भी बहुत अच्छे थे। एनी लव अफेयर्स? अरे नहीं, नेवर। सर, ये बॉडी के पास पड़े मोबाइल हैं। इनमें दिखने वाले तीनों लगता है इनके बॉयफ्रेंड्स हैं। फर्दर इंक्वायरी के लिए इन्हें अरेस्ट कर लिया है। इन तीनों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम लोग अभी अभी बहुत बढ़िया पिकनिक मना के आए थे, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इट्स ऑल गॉड्स डिसीजन, वी कांट डिनाई दैट। हे भगवान, इनके घर वाले ये सब कैसे सह पाएंगे? एक बात बोलूं, इन तीनों ने बहुत मस्ती की थी। अरे रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। जिनकी डेथ हुई है उनमें से कोई आपकी बेटी थी? नहीं ना, तो रो क्यों रही हैं? सबसे कह रहा हूँ, रो के कोई फायदा नहीं है। ऐसी कोई घटना देखने के बाद आंखें नम होना तो स्वाभाविक है, पर रोने के बजाय ध्यान रखिए कि आपके बच्चों के साथ कभी ऐसा ना हो। पिछले जमाने में घर पर फोन नहीं हुआ करते थे, फिर भी बच्चे समय पर घर पहुंचते थे और रोज माँ बाप को स्कूल की बाहर की सारी बातें बताते थे। पर आजकल माँ बाप खुद मोबाइल फोन लेकर घूमते हैं पर बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। सर, क्या ये सुसाइड केस है? नो कमेंट्स। हाँ फादर, यस, मुझे इन बच्चों के सारे डिटेल्स चाहिए, सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी। सर, इन तीनों बच्चों को कस्टडी में ले लिया है। रामदास, यू टेक देम एंड डू द प्रोसीजर्स। सर क्यों मेरी बच्ची का कत्ल किया?
हमने कुछ नहीं किया। तो तुम दोनों का मतलब यह है कि उसने सुसाइड किया? नहीं, बोलो जवाब दो। रामदास सर जाकर संभालो उनको। बोलो ऐसा क्यों किया? मेरी बच्ची मासूम थी, क्यों किया? इधर आइए। गुड मॉर्निंग स्पेस ऑफिस। नहीं वो अभी तक पहुंचे नहीं। तो तुम लोग कुछ नहीं जानते है ना? हमें कुछ नहीं मालूम, हम सच कह रहे हैं। लगता है बिना मार का है, बोलेंगे नहीं। तुम और एलिन हो है ना? हाँ सर। और ये तुम और कल्याणी हो। और ये मैं हूँ सर। तुम और बोलो गौरी। अच्छा मान लिया, ओके। अब बताओ इन लड़कियों की अश्लील तस्वीरें उनके मोबाइल फोन में कैसे आईं? सर कुछ कहा या नहीं इन तीनों ने? फ्रेंडशिप है ये बात तो कबूल कर रहे हैं, पर मोबाइल में अश्लील तस्वीरों के बारे में ये कुछ नहीं बता रहे। तुम तीनों उन लड़कियों को पसंद करते थे, क्यों? ये बात सच है ना? हाँ पसंद करते थे। ओके। उनसे प्यार का नाटक करके उन्हें बहला फुसला के उनके फोटोज लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने का इरादा था ना? पैसों के लिए? नहीं सर हमें कुछ भी नहीं पता। कितने बजे इनको कोर्ट में हाजिर करना है? सर 12 बजे। ओके देन प्रोसीड। और इनको परेशान मत करना। इसके पीछे कोई सेक्स रैकेट तो नहीं, ये बात हमें मालूम करनी है। माउंट एकेडमी पब्लिक स्कूल को एक हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। फादर अब सीना तान के चल सकते हो, स्कूल का नाम तो मिट्टी में मिल गया। जब मैंने तुम जैसे आदमी को भर्ती किया तभी मैंने सोचा कि ये होना। मुझ जैसे आदमी को पाने के लिए पुण्य करने पड़ेंगे। पियोन का काम करो, वॉचमैन का काम करो, माली का काम करो। और रात होते ही एक छोटा मारा। तुम चुप। लोगों और रिश्तेदारों को जवाब देते देते हम लोग थक गए हैं फादर, रास्ते पर चलना तक मुश्किल हो गया है। आई थिंक आनंद इज इनोसेंट इन दिस केस। ही इज अ गुड बॉय। ही गॉट 95% मार्क्स लास्ट ईयर एंड ऑल्सो ही इज फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि वो एक बहुत ही अच्छे फैमिली से है। नहीं अभी पुलिस इंक्वायरी, कुछ दिनों में बच्चों के एग्जाम्स हैं, वो परेशान हो जाएंगे सर। वो सब फेस कर लेंगे और क्या फादर। पर स्टॉप। आज के मुख्य समाचार। माउंट एकेडमी पब्लिक स्कूल में तीन लड़कियों की मौत से लोगों में गुस्सा है। शक के दायरे में जो लड़के हैं उनके नाम है आनंद, जोस और रहीम। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किया है। उन्हें 14 दिन की रिमांड में लेकर पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इन तीनों को स्कूल से सस्पेंड किया गया है, ऐसा स्कूल अथॉरिटी ने बताया है। इस केस की छानबीन अब SP श्रीकांत करेंगे। आगे की खबरें देखेंगे एक ब्रेक के बाद। माँ क्या हुआ? पारू का एडमिशन हो गया बेटा? हाँ वो हो गया। वो अमेरिका से आई है ये सुनकर प्रिंसिपल थोड़ा हिचकिचाए। वो क्यों? सुनो तो, पर प्रिंसिपल और भाई साहब क्लासमेट्स निकले। पिछले बैच में तीन लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था इसलिए वहाँ वैकेंसी थी, तो पार्वती को एडमिशन मिल गया। अच्छा अच्छा, तो उस केस का क्या हुआ बेटा? वो स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, तुम जानकर क्या करोगी? ओहो बड़ा आया ऐसा। माँ नाराज हो गई। अरे रहने। अच्छा ये बताओ पार्वती कहाँ है? वो अभी अभी मंदिर गई है। हे भगवान मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना। जय श्री कृष्ण।
नो रामदास, यू हैव टू कलेक्ट द डिटेल्स एज अर्ली एज पॉसिबल। अरे तुम्हें नहीं पता मेरे ऊपर गवर्नमेंट का प्रेशर कितना है। ओके ओके ओके, डू व्हाट आई से। हाय चाचू। हाय। ये लीजिए प्रसाद। हाँ, तेरा एडमिशन हो गया, कल सुबह स्कूल जाना है। हाँ, थैंक यू। हॉस्टल से छुट्टी मिलते ही घर आ जाना, ठीक है? मुझे यहीं रहना है, हॉस्टल में नहीं। अच्छा, 10-20 किलोमीटर रोज तुझे छोड़ने लेने कौन आएगा? मुझे बहुत काम है, फुर्सत नहीं मिलेगी मुझे। नो प्रॉब्लम, मैं अकेले चली जाऊंगी। रोज इतनी दूर आना जाना कोई जरूरत नहीं है, ये अमरीका नहीं है। हेलो। हाँ भाई साहब, सब हो गया, कल हॉस्टल छोड़कर आऊंगा उसे। अरे डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा। हाँ, पारू को देता हूँ। हेलो पापा, हाउ आर यू? मैंने दादी से कहा मैं यही रहकर पढ़ूंगी, पर नहीं मान रही है। आप दादी चाचू कोई नहीं मान रहा है ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे अभी तक रेडी नहीं हुई, जल्दी करो, लेट हो रहा है। 2 मिनट चाचू प्लीज। ऐसे थोड़ी बाल सुखाते हैं, जुखाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा। ओहो, सुबह से कुछ खाया नहीं है, चल नाश्ता कर ले। अभी भूख नहीं है दादी, मैं क्या छोटी बच्ची हूँ, आकर खा लूंगी। हाँ पता है कितनी बड़ी हो गई है, ले खा, दादी के हाथ से खा ले, चल। हो गई तैयारी बेटा? हाँ हो गई। दादी आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, अपनी माँ का भी आशीर्वाद ले ले। कितना हुआ? 20 रुपया। अरे मुंह क्या देख रहे हो, थोड़ी मदद करो। नौकर हूँ क्या तुम्हारा? सांबा भाई, अरे कहाँ थे अब तक? प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं, जल्दी करो। टाइम नहीं है, उसे जाके बोल, मुझे देखे बिना उसे नींद नहीं आती है क्या? वो सब मुझे नहीं पता, अंदर एसपी साहब आके बैठे, खास तुमसे मिलने आए। हे भगवान, हरे कृष्णा। वो सब जाने दो, ये बताओ रविशंकर आते जाते हैं क्या? हाँ, सिर्फ ओणम के समय आते हैं। फादर आपने मुझे बुलाया? न्यू एडमिशन है पार्वती, मिस्टर श्रीकांत की बड़े भाई की बेटी है। नमस्ते फर। ये सांबा शिवम है, यहाँ का ऑल इन ऑल। ये साको सा नहीं बोल पाता है, साको फा बोलता है। बचपन से मुझे फर नहीं बोलना आता है, फर। सांबा शिवम, इस बच्ची को हॉस्टल का रूम नंबर 13 दिखा दो। ठीक है, यू गो विद। थैंक यू फादर। एवरी फ्राइडे इवनिंग मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। अच्छा ठीक है चाचा। ये बैग मुझे दे दीजिए ना। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। अपने केस का क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखते हैं। जी। यही आपका रूम है, रूम नंबर 13। अरे ये ताला खुल नहीं रहा। ये चाबी आपके अच्छा, रूम ये कौन है? न्यू एडमिशन है क्या? ये अमेरिका से आई है। अच्छा, हाउ इज नेम, व्हाट आर ऑल यू? फाइन थैंक यू। मैं पार्वती। मैं वर्गीज, एमए। एमए इनिशियल है, ये यहाँ का बस ड्राइवर है। बस ड्राइवर हूँ फिर भी यहाँ का सारा काम मैं ही देखता हूँ, लेकिन मुझसे पंगा मत लेना, अगर लिया ना तो देख लेना। ये कौन है मालूम है तुझे? कौन है? ये एसपी श्रीकांत जी के बड़े भाई साहब की बेटी है, पता है? मैं तो मजाक कर रहा था। बेटा तुम्हें जो चाहिए बता देना। ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। वो वहाँ पर स्टडी टेबल है, और ये है कबर्ड आपके कपड़े रखने के लिए, और कुछ चाहिए तो मेट्रन से कह देना है। जी। सबसे दोस्ती होगी तो सब समझ जाएगी। कृष्णा
डर गई क्या? I'm sorry, ऐसे ही मजाक कर रही थी। वैसे नई स्टूडेंट हमारे रूम में आई है ऐसा सांबा शिवम सर ने बताया। तुम पार्वती हो ना? मैं सोना हूँ। हाय। हेलो। ये कौन है? ये तीनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थीं। ये कल्याणी, ये गौरी और ये अलीना। इन्होंने सुइसाइड किया। गौरी यहाँ इसी रूम में रहती थी। आओ ना, तुम्हें दूसरे रूम्स की लड़कियों से मिलाती हूँ। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी हैव थ्री न्यू फ्रेंड्स, हसीना, शारदा, पार्वती। आप सबको याद तो होगा ही कि हमारे साथ तीन और फ्रेंड्स हुआ करते थे जिन्हें हम सब मिस करते हैं, गौरी, अलीना और कल्याणी। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके लिए एक मिनट प्रार्थना करते हैं। Let us bury the past and look forward for a better present and a brighter future. तो इन लड़कियों को कैसे वेलकम करें? मैं बताता हूँ, हसीना को गाना गाने बोलते हैं। अरे मुझे गाना वाना नहीं आता। ऐसा बहाना तो नहीं चलेगा, गाना तो पड़ेगा। कहना ही क्या, ये नैन एक अनजान से जो मिले। मतलब कोई लड़का मिल गया है क्यों? ओके, अब पार्वती। नहीं नहीं, मैं तो गाना नहीं गा सकती। ठीक है, कोई दूसरा आइडिया बताती हूँ। ये लो चॉकलेट। थैंक यू। इतनी खुश मत हो, ये मैंने तुम्हें खाने के लिए नहीं दी। इस क्लास में बहुत सारे हैंडसम और अच्छे दिखने वाले लड़के हैं। इनमें से तुम्हें जो पसंद हो वैसे एक लड़के को चूज करो और ये चॉकलेट उसे दे दो। ओके? नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, कम ऑन यार। थैंक यू। अरे क्यों लिया चॉकलेट, मुझे धोखा दिया ना। ओके ओके, स्टॉप स्टॉप, रेडी, 1 2 3। टिंग 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 टिंग। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ब्लू हाउस। 1 क्रिस्टी। 2 निशान। 3 नीतू। 5 आनंद। 6 जॉय। ग्रीन हाउस। 9 अखिला। 10 जेकब। 11 किरण। 12 सारिका। 13 पार्वती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ए आलोशी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। फॉर व्हाट? अभी भी नहीं समझे क्या? हद हो गई, टुडे इज योर बर्थडे आलोशी। ओह थैंक यू डियर। अभी समझ में आया तुम्हारा ये थैंक यू मेरे लिए कितना मायने रखता है? मैं जानता हूँ जेनिफर। तो फिर शाम को मिलोगे ना? श्योर। माय एंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एडवेंचर्स। एक्सक्यूज मी फादर। यस। मुझे डांस और म्यूजिक में रुचि रखने वाले बच्चों की लिस्ट चाहिए। प्लीज। थैंक यू फादर। डांस और म्यूजिक में रुचि रखने वाले जरा अपना हाथ उठाएं। यस कम ऑन। 1 2 3 4 5। फादर ये हैं क्या नए बच्चे? यस yes, पार्वती, शारदा, हसीना। आपको डांस और म्यूजिक में इंटरेस्ट है? व्हाट अबाउट यू हसीना? डांस तो नहीं आता पर थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। सिट सिट सिट। तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती। इसके तो चेहरे में ही एक डांसर का लुक है। डांस जानती हो? नो नो नहीं सर। एक्सक्यूज मी आलोशी सर, प्रिंसिपल साहब आपको बुला रहे हैं। क्या बात है? पता नहीं। सोना हाँ? Just take the list of those who are interested. I'll be back in a while. लड़कियों के मोबाइल से उनकी तस्वीर सेंड करने वाले व्यक्ति को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। उसका केरला से बाहर का कोई कनेक्शन है ऐसा मुझे लगता है। ये जोश लड़का जरा कनिंग है, आपको क्या लगता है? बच्चे हैं इसलिए ऐसा कभी सोचा नहीं था। He is bright and studious. सर, मैंने सभी मोबाइल नंबर्स और उनकी डिटेल्स इकट्ठा कर ली हैं। ओके, कलेक्ट द फोन नंबर्स एंड डिटेल्स ऑफ द स्टाफ एंड टीचर्स आल्सो। यस सर, दैट आई कैन अरेंज।
एक काम कीजिए, आप दोनों इनके साथ जाइए और इनकी मदद कीजिए। यस फादर। डोंट वरी फादर, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग द ट्रूथ आउट। नहीं रे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बड़े फ्रेंडली हैं। डांस और म्यूजिक नहीं आता है, ये तो बुरी बात है, वो भी अमेरिका में रहने के बाद। मैं 4 साल की थी जब माँ चल बसी। पापा मानसिक तौर से बिल्कुल टूट चुके थे, तभी हम केरला में थे। फिर पापा को अमेरिका जाना पड़ा तो वो मुझे भी साथ ले गए। तब से मेरे लिए माता, पिता, फ्रेंड सब मेरे पापा हैं। वैसे भी वहाँ ये सब सीखने नहीं मिलता। फिर दादी ने कहा कि वहाँ के बजाय यहाँ आकर आगे की पढ़ाई करो, तो मैं आ गई। पार्वती, शायद तुम्हारा फोन बज रहा है, साइलेंट मोड पर क्यों रखा है? श्रीकांत। कौन है ये श्रीकांत? दो इधर। हेलो। क्या? अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या तुम लोग भी? अरे वो मेरे चाचू हैं, एसपी श्रीकांत। सॉरी, पर हमें कैसे पता चलता? पापा के इकलौते भाई हैं वो, मैं दादी और चाचू के साथ ही रहती थी। हाय अल्लाह, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ओह माय गॉड, इट्स टू लेट, चलो खाना खाने चलते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा, तुम लोग खा करो। ओह, घर से दूर हो इसीलिए। तो चलो हम चलते हैं। कोई खाए या ना खाए, भाई मुझे तो भूख लगी है। हाँ, मुझे भी। आहा, आज फिर से राजमा चावल है क्या? हाँ हाँ, साथ में कुछ कंकड़ भी है, बस दांत संभालना अपने, कहीं बत्तीसी ना लगवानी पड़े। वो दूसरी कहाँ है पार्वती? उसे खाना नहीं खाना है। पहले से बोल के रखना चाहिए ना, बेकार की मेहनत करवाई, इनके नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। पार्वती बड़ी किस्मत वाली है। वो क्यों? इस खाने से जो बच गई। अरे यार, ये कुत्ता मुझे कहाँ ले जा रहा है? ए, कैसर, अरे कहाँ जा रहा है? कैसर, कैसर, अरे तू कुछ बताएगा अभी? चलिए उठिए, पी पाकर यहाँ आके पड़े हैं, आपको कुछ शर्म वर्म है कि नहीं? बकवास, चलो जाओ यहाँ से। पार्वती,
हैपेंड? क्या हुआ पार्वती? मुझे डर लग रहा है। इसमें डरना क्या है? अरे यहाँ बिजली आती जाती रहती है। चलो मेरे साथ आओ, डरो मत, आओ। अब प्रार्थना करके सो जाओ, गुड नाइट। ये क्या पीने का तरीका है? इतनी पिएगा तो मर जाएगा। अरे नहीं पीऊंगा तो भी मर जाऊंगा, पक्का। भगवान कसम सच बोल रहा हूँ, मैंने देखा है, वो गौरी का ही भूत था। अगर तू दो पैग और चढ़ाएगा ना तो मैं भी भूत ही लगूंगा। अब आज के लिए बस, अब जाके सो जा। मैं चला। अरे रुकना। किसी को पता चला कि हमने दारू पी है तो दोनों की नौकरी चली जाएगी। कल मिलेंगे, गुड नाइट। डीजल भर के गाड़ी चलाओ, पेट्रोल भर के गाड़ी चलाओ, दारू भर के गाड़ी चलाओ तो गुनाह है। ये कैसा कानून है भाई? राइट द डायलॉग्स बिटवीन रिचर्ड राइट एंड हिज फ्रेंड आफ्टर हिज फर्स्ट डे इन स्कूल। फ्रेंड: हेलो रिचर्ड, व्हाई आर यू लुकिंग सो ग्लूमी? हाउ वॉज योर फर्स्ट डे एट स्कूल? रिचर्ड: इट्स नथिंग यू नो, इट वॉज माई फर्स्ट डे इन स्कूल, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। Friend, remember when you were away from home? Parvati, what's wrong with you? What happened? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हुआ क्या है तुम्हें? पता नहीं, मुझे जाना है। देखो तो, बुखार तो नहीं है तुम्हें? मैंने कहा ना, मुझे जाना है। Okay, go and take rest. मैं चलूं साथ में? नहीं। रिचर्ड, आई वॉज आस्क्ड टू राइट माई नेम एंड एड्रेस ऑन द ब्लैकबोर्ड, बट आई वॉज अनेबल टू डू सो। कौन हो? मैं पार्वती, माउंट एकेडमी से, आनंद की फ्रेंड हूँ। आनंद है क्या? हाँ है, आओ। जी। वो बहुत बदल गया है, घर से बाहर नहीं निकलता, किसी से बात नहीं करता। देखो कैसे बैठा है, बिल्कुल गुमसुम। मैंने जोर दिया तब जाके एग्जाम्स दिए, और देखो 85% आए हैं। मेरा बेटा निर्दोष है, मैं जानती हूँ वो निर्दोष है। सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए, मैं उससे मिलकर आती हूँ। मैं पार्वती, माउंट एकेडमी में पढ़ती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ। अरे ये क्या मेरी तरफ भूत की तरह देख रहे हो? तुम्हारी मम्मी बता रही थी तुम कहीं जाते नहीं, किसी से बात नहीं करते। चलो मेरे साथ कहीं घूम कर आते हैं, चलो। चलो भी, अरे चलो। याद है बचपन में हमने कहानियां सुनी है जिसमें भगवान भी मुश्किल में आ जाते हैं, उनका भी बुरा वक्त होता है। हा? तुम समझ रहे हो ना? ये सब खेल है अच्छे और बुरे समय का। सोचो जब देवता खुद बुरे वक्त का शिकार हो सकते हैं तो फिर हम तो इंसान हैं। और वैसे भी बुरा वक्त तो आकर बीत गया, अब अच्छे वक्त की बारी है। तुम्हें पुराना आनंद बनना होगा, तुम कर सकते हो आनंद। हे आनंद। I'm sorry, तुम्हें देखा तो तुम गौरी जैसी लगी, इसलिए मैं चला आया। इतनी देर? मैं आनंद से मिलने गई थी। आनंद से मिलने? तुम उसे कैसे जानती हो? जानती हूँ,
कल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है और तुम आज घूमने चली गई। मुझे नींद आ रही है। साले कुत्ते की औलाद, सोने नहीं देगा क्या तू? वर्गीस जी, हाय। अरे तू यहाँ कैसे? मैं जहाँ चाहूँ जब चाहूँ जा सकती हूँ। क्या कहा? देखो परेशान मत करो, जाओ जाकर सो जाओ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ, भगवान, उन्मुख से बचाओ मुझे। यही मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है? अरे कोई है? कोई सुन रहा है क्या? बचाओ मुझे इस दूध से। ये सबा, सबा, अरे उठ रहा भाई, बचाओ। ये आधी रात को पता नहीं कौन चिल्लाता रहता है। वर्गीज उठ जा, फोकट का हमेशा दारू पी के पड़ा रहता है मुर्दा कहीं का। उठ जा, उठ वर्गीज, उठ जा। नहीं नहीं मुझे कुछ मत करो, मैं अभी अभी बीमारी से ठीक हुआ हूँ और मैंने सारे चेकअप करवा लिए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल नेगेटिव। उल्लू के पट्टे, उठ जा। जाओ, जाओ यहाँ से, तुम वेश बदल कर डराओ मत मुझे। अबे ये क्या है? ये मैं हूँ सांबा शिवम, उठ उठ। क्या लगा रखा है ये? प्रिंसिपल ने देख लिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे नौकरी जाए तो जाए। हा? देखो सांबा दादा, उस दिन भी मैंने कहा था कि मैंने गौरी का भूत देखा, लेकिन तुमने विश्वास से नहीं किया। आज वो पार्वती बन कर आई थी। पीने के बाद तो पार्वती क्या, शिवम भी तुझे भूत लगेगा। चल अब काम कर अपना। आईना है। डरा दिया यार, मैं भी तो डर गया था। पता नहीं क्या था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितना सोओगी? हाँ
डांस प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, तुम चलोगी? मेरा मूड नहीं है, तू चली जा। ओके, दोपहर में मिलते हैं। परेशान करने नहीं आई हूँ, तुम्हारी तरह मेरा भी एक घर था, फ्रेंड्स थे, माँ बाप थे, सब था। मैं भी तुम्हारी उम्र की थी और बहुत खुश थी। मैं भी इसी स्कूल में थी और इसी रूम में रहती थी। तो मुझे उससे क्या लेना देना? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बेटा गौरी, स्कूल के लिए देर हो रही है, चल। ओके, आई एम रेडी, चलो। बेटा, मैंने जो कहा है याद है ना? वहाँ किसी से भी ज्यादा दोस्ती मत करना। वहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत अमीर घरों से आते हैं। तेरा रिजल्ट देख के ही तुझे वहाँ एडमिशन मिला है, याद है ना? माँ, मैं जब भी आती हूँ तुम यही कहती रहती हो। तुझे नहीं कहूँ तो और किसे कहूँ? बेटा, अपना सारा सामान ले लिया ना? हाँ लिया माँ। और देखो बेटा, छुट्टियाँ होते ही घर आ जाना, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। तेरी माँ की जिद थोड़ी ज्यादा है। कितने दिन चलेगा देखते हैं। क्या पापा, आप भी बिल्कुल कम नहीं हो। माँ रात भर रोती रहती है और आप भी ना घर पे बिल्कुल आते नहीं हो। अच्छा छोड़, जाने दे। एक बात बता, तूने कुछ मांगा था ना? ये देख। वाओ, कैसा लगा? नो किया। मैंने कुछ नहीं किया, तू देख ले। मुझे बस यही चाहिए था। इसमें ब्लूटूथ है, मेमोरी कार्ड है, सब है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम कर, इसे वापस कर, मैं दूसरा लेके आता हूँ। अच्छा वाला लाएंगे ना? अच्छा है पापा, थैंक यू। ठीक है, पर सुन, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, नहीं तो गुस्सा हो जाऊंगा। इसकी पेमेंट नहीं की मैंने अभी तक। अरे लेट हो रहा है, चलती हूँ। अच्छा गाड़ी में बैठ, मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू। अरे कुछ भी बोलो तो थैंक यू बोलती। टैंटरैन, मेरा नया मोबाइल देखा? नोकिया 5130 पापा ने लेके दिया। ओके, अब इस नए मोबाइल से तुम सबका फोटो खींचती हूँ। ओके, स्माइल। ऐसे हंसते हैं क्या? थैंक यू। फोटो तो दिखाओ। इधर दो। साइलेंस। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? क्लास में मोबाइल फोन लेकर आई हो, फोटो निकाल रही हो? आई रिपोर्ट दिस टू द प्रिंसिपल। अरे अरे, आई एम सॉरी सोना, मुझे आज ही ये मोबाइल फोन मिला है, तो फिर मैंने सोचा। ओके, गो टू योर सीट। हे, अपने शुगर केन फादर आ रहे हैं, सीधे साधे बेचारे। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
ब्लू हाउस. वन भूषण. टू क्रिस्टी. थ्री आनंद. फोर विष्णु. फाइव जोश. सिक्स रहीम. सेवन विशाल. एट अकेला. ग्रीन हाउस. नाइन आनंद. टेन किरण. इलेवन साहिल. ट्वेल्थ हितेश. नंबर थर्टीन गौरी. Using mobile phone in the classroom is an offense. Don't you know that? Get out. Sona, anybody absent today? No, father. Robert Frost wrote no text. The boy there was. The boy there stands. Then calls Robert. लो, तुम जानती हो तुम्हारी भलाई के लिए मैंने तुम्हें डांटा. हाँ, आइंदा से क्लास में मोबाइल नहीं. ओके, नाइस गर्ल. आज खाना थोड़ा अच्छा था. नहीं, तुम सब खाना खाने के लिए क्यों नहीं आए? मेट्रन चिल्ला रही थी, पता है? ये रो रही है, कह रही है कि कल नहीं आ सकती. क्यों, क्या हुआ? गौरी के पापा ने कॉल किया था. पापा के पास पैसे नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना. तुम नहीं जाओगी तो हम भी नहीं जाएंगे. तुम हमारी फ्रेंड हो यार, तुम्हारे बिना कैसे मजा आएगा? आनंद को अभी फोन किया था, उसका नेचर तो मालूम है ना, पैसे से वो नहीं मदद करने वाला. ये आएगी तो ही वो आएगा, ऐसा उसने बोला है. अच्छा बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास अभी 20-25 रुपए ही होंगे. ठीक है, चलो निकालो. मेरे पास भी 10 रुपए हैं. वेरी गुड. डोंट वरी यार, हम सब मिलके कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे. चलो अब स्माइल करो. अब तो रोना बंद कर दे यार, कल हम बहुत एंजॉय करेंगे. ओके ओके. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट. थर्टी वन, थर्टी टू, थर्टी थ्री, थर्टी फोर, थर्टी फाइव. एरिना, कल्याणी, गौरी, कहाँ है ये तीनों? वो सब लोग तो डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं. और आलोशी सर? सर भी वही हैं. ये भी कोई टाइम है क्या? Hey, stop, stop, stop. कितनी बार बोला फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता. तुम कथक करना जानते हो ना, अब क्या हुआ? ये दूसरे डांस जैसा नहीं है. कथक इज वेरी टफ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. सॉरी सर. मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कहा था. आई जस्ट वांट परफेक्शन, दैट्स इट यार. कम ऑन, जस्ट वॉच मी. वन टू. धिन्ना धर किट धाम. ये प्रैक्टिस करने का टाइम है क्या? जाने का टाइम हो गया है, सब बस में बैठ गए हैं. ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? प्रोग्राम के लिए थोड़ा ही टाइम बचा है, ये अभी तैयार नहीं है. छोड़ो, मैं देख लूंगा. बच्चों चलो सब घर जाओ. अच्छा गौरी, जो बोला है वो याद है ना? यू हैव टू प्रैक्टिस वेल. यस सर. ये क्या, बच्चों के सामने कुछ ज्यादा ही स्टाइल मारते हो. देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है. यही तो प्रॉब्लम है औरतों का, किसी के साथ भी बात करो या थोड़ा इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करो तो उनको जलन हो जाती है. अच्छा? फिर चाहे वो बच्चों के उम्र के हो या माँ की उम्र के. सुनो ना, बहुत भारी है बैग, उठा लो ना प्लीज. तेरे पापा को बोलना उठाने के लिए. ए, मेरे पापा को कुछ भी मत बोलना. सुनो ना, थोड़ी देर के लिए पकड़ लो ना बैग. अरे ये क्या, एलिना ने तो तुम्हें काम पे लगा. तू अपना काम करना. हे आनंद सुनो, मेरा बैग बस में रख दोगे? मैं चेंज करके आती हूँ. हे गौरी, बस चलने लगे तो धीरे से उठ के मेरे पास आ जाना, ठीक है? ओह, व्हाट एन आइडिया, पागल कहीं का. ए रुको 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 रुको, देखो ना, जेनिफर और आलोशी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं. ओके रेडी? रेडी. वन टू थ्री. टिंग 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 टिंग. बस 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 बस, चलो जाओ बस में बैठो. गुड मॉर्निंग फादर. जेनिफर. फादर. बच्चों का हर हाल में खास ध्यान रखना. अगर कुछ भी हुआ तो मुझे फोन करना. ओके फादर. ओके ओके. ऑल द बेस्ट. थैंक यू फादर. ओके फादर. बाय. गुड मॉर्निंग फादर. एक मिनट रुको,
अब तक तुम कहाँ पर थे? मैं पौधों को पानी दे रहा था। पौधों को पानी दे रहे थे, क्या चक्कर है ये? बस पानी दे रहा था पौधों को बस। चलो। अब गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग। पहरा कहीं का। अरे कान के पास आके विसिल क्यों मार रहा है? पर्दे फट जाएंगे। मैंने दो बार विसिल मारी, बहरे तूने सुना नहीं। चल अब गाड़ी स्टार्ट कर। विसिल मार। नॉनसेंस, व्हाट इज दिस? गाएंगे तो चार चांद लग जाएंगे। डन। ये। हे आडमक आडमक आडर्रा आबिर्रा आडमक डिमक डर्रा बिर्रा डाम बोटिया आडमक आडमक आडर्रा आबिर्रा आडमक डिमक डर्रा बिर्रा डाम बोटिया। जरा गुनगुना रे, थोड़ा मुस्कुरा रे, अरे कम ऑन लेट अस एंजॉय बेबी। दूर जा रे, मत पास आ रे, मुझे छेड़ना रे, नहीं करना एंजॉय बेबी। चलो चलो जाओ, आगे मत आओ, चलो चलो जाओ, आगे मत आओ, वरना पड़ेगा तुमको भारी। से बच के जाओगे कहाँ, पास हमारे तुम्हें है आराम। जाओ न सताओ, हट जाओ, पीछे पीछे ना आना। गीत गा रे, जरा गुनगुना रे, थोड़ा मुस्कुरा रे, अरे come on let us enjoy baby। समा है ना, हम तुम भी यहाँ है ना, ऐसे में आओ मिलके करे फन। ओहो, ये तो है बस बहाना, इस जाल में नहीं फंसना, नहीं करना हमें इस तरह का फन। इस मौसम में ऐसी मस्ती में आओ मिलके खेले हम तुम। खेले कुछ भी खेले हो चाहे, पर जीतेंगे तो बस हम। हमसे ना लो पंगा, गाड़ेंगे हम भी झंडा, चले आए बड़े जीतने वाले। कहने से ये नहीं होता, करके भी तो दिखलाओ, देखे बड़े हंकने वाले। ये प्यार करने वालों का ठिकाना है, ये टूर तो बस नाम है, बहाना है। ये दिल से दिल मिलाने का ठिकाना है, ये टूर तो बस नाम है, बहाना है। नाच गाए मौज उड़ाए, चार दिन की जिंदगी है, जी भर के जी लो यारो, कल जाने क्या होगा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। आडमक आडमक आडर्रा आबिर्रा आडमक डिमक डर्रा बिर्रा डाम पोटिया। गीत गा रे, जरा गुनगुना रे, थोड़ा मुस्कुरा रे, अरे कम ऑन लेट अस एंजॉय बेबी। दूर जा रे, मत पास आ रे, मुझे छेड़ना रे, नहीं करना एंजॉय बेबी। Thank you.
जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। ऐसे गाना गाओ ये कौन आया दिल में समाया अभी तुम यहाँ से शुरू करो यम्मा 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 ये खूबसूरत समा बस आज की रात है जिंदगी कल तुम कहाँ हम कहाँ। जोश बुला रहा है चलो इनके साथ चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी मुझे डर लगता है। डर किस बात का वो लोग है ना प्लीज इतना मत डरो चलो चलते हैं। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है दिल की महफिल सनम ये महफिल नहीं दिल है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला कितनी बार सिखाना पड़ेगा तुम्हें यूज़लेस गर्ल। सॉरी फादर मुझे नहीं लगता इस लड़की से होगा। इंडिपेंडेंस डे को अभी वक्त है किसी और को ढूंढ लो। सब लोग इतने शांत क्यों हैं? इसे कितना भी सिखाओ नहीं आता सर गुस्सा हो गए। मैं ट्राई कर लेती हूँ सर। दिस इज कथक क्लासिकल डांस सीखी हुई इस लड़की से नहीं हो रहा है। तुम्हें तो डांस के एबीसी भी नहीं मालूम। मुझे एक बार ट्राई तो कर लेने दीजिए सर। hey, बिना वजह मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम रो क्यों रही हो अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक्सीलेंट तुम तो बहुत अच्छा नाचती हो। देखा इसे कहते हैं बॉर्न टैलेंट। तुम्हारा क्लासिकल सीखना किसी काम का नहीं है। पार्वती हम रिहर्सल शुरू करें। ओके बेबी कम ऑन रेडी 1 2
जाते ही देखना चाचू चिल्लाएंगे, अकेले क्यों आई, मैं लेने आ जाता ना। ए आनंद रुको। चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो ना। अरे बाप रे, इतनी दूर? दूर 15 किलोमीटर दूर थोड़ी ना होता है। चलो चलो बाय बाय। लो, तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू। ओके बाय, सी यू।
रुको 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 रुको, ये क्या पहना है तुमने? हाँ? क्यों, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए बेटा। मुझे ऐसे कपड़े पसंद है। ये ओहो, आ गई मेरी बच्ची। माँ तुमने इसका पहनावा देखा? क्या दादी, इसमें क्या बुरा है? मेरे स्कूल में सब ऐसे ही कपड़े पहनते हैं दादी। ओहो, सब बच्चों की तरह है क्या मेरी बच्ची? अमेरिका में रही है फिर भी अपने गांव वालों की तरह रहती थी, और अभी तो अचानक से बदल गई है, ये सब कैसे हो गया? ये सब हमें शोभा नहीं देता। ओहो, क्या हो गया है इसे? बच्ची है, दूसरे बच्चों की जिद पर उसने ये कपड़े पहने हैं। मैंने थोड़ा मजाक उड़ाया उसका, इसलिए थोड़ी चिढ़ गई है मुझसे। माँ तुम खाना लगा दो जल्दी से, मुझे निकलना है। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना तुमसे, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती पार्वती। तुम्हें पता है तुम मुझे कितना परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती पार्वती, मेरा एक मकसद है, उसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, और तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पारू पारू, चलो चलकर कुछ खा लो। अरे चाचू ने मजाक किया तुमसे, चलो खाना खा लो। पारू, तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। कहाँ? वापस हॉस्टल। शनिवार और इतवार छुट्टी होती है, सोमवार को चली जाना, मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा। नहीं, मुझे अभी जाना है। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनो, बैग अंदर रखकर खाना खाने आ जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया फोन करेंगे तो शिकायत करूंगा तुम्हारी, देख लेना। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे इस बात के बारे में किसी को खबर ना हो। ओके, गुड नाइट डियर। टीचर, कौन है? मैं पार्वती ने, मैं गौरी। क्या है?
रामदास कहाँ है? ऑफिस में, प्रिंसिपल और स्टाफ का स्टेटमेंट ले रहे हैं। बुला लो उसे, और प्रिंसिपल से भी मिलना है मुझे। यस सर। क्या है तुम्हारे फॉरेंसिक फाइंडिंग्स? सर, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि यह आग जरूर शॉर्ट सर्किट से लगी है। इसके अलावा कुछ भी पता नहीं चला है सर। ओके, गिव दैट रिपोर्ट इमीडिएटली। सर, सब कुछ नष्ट हो गया है। ये लैपटॉप मिला है सर, हम कुछ भी नहीं बचा पाए, पर यह काम नहीं कर रहा है। जितनी जल्दी हो सके ठीक कराओ सर। क्रूशियल टाइम में एविडेंस बनकर काम आ सकता है हमारे। श्योर सर। फादर, फर्स्ट इंप्रेशन से एक नेचुरल एक्सीडेंट है बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, बट आई वॉन्ट अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन। आई वॉन्ट टू मीट ऑल द स्टाफ एंड टीचर्स। ओके, ठीक है, मैं सब अरेंज कर दूंगा। गुड। सच कह रहा हूं सर, मैंने देखा था वो पार्वती ही थी। क्या बक रहे हो? 10-20 किलोमीटर दूर रहने वाली पार्वती रात को यहाँ आई थी, ऐसा तुम कह रहे हो और मैं तुम्हारा विश्वास करूँ? तो फिर जब देखा था तभी प्रिंसिपल साहब को क्यों नहीं बताया? अगर बताता तो आप लोग बोलते कि दारू पी के बोल रहा है, इसलिए नहीं बताया। सर, आई डोंट बिलीव दिस, दिस टू चैप्स आर ऑलवेज ड्रंक। बस कर, बड़ा आया इंग्लिश बोलने वाला, पैदा होते इंग्लिश बोलने लगा था क्या? हिंदी में बोलना। तुम लोग सब कुछ सच सच बताओगे तो अच्छा होगा, वरना सब तकलीफ में पड़ जाओगे। एसपी सर, ये जो कह रहा है वो सच है, कल पार्वती को मैंने भी देखा था। ये जेनिफर कैसी औरत थी? आई मीन मॉरल साइड। हम लोग भी उससे बात नहीं करते थे, बड़ी खड़ूस थी वो, बच्चे उससे बहुत डरते थे। उसके कोई भाई बहन नहीं है क्या? भाई और उसकी शादी को एक साल होने से पहले ही उसका पति उसे छोड़कर चला गया। क्या कारण था? वो नहीं पता सर। अच्छा, क्या किसी पे शक है तुम लोगों को? सर, हो सकता है इसमें आनंद का हाथ हो। वो हम पता कर लेंगे। गौरी के साथ रूम में जो लड़की रहती है उसका नाम सोना है, वो लड़की हमें कुछ बता सकती है। वट्टा परम्भ में रहने वाले फादर का एक निकनेम है, वो क्या है? फुगर केन। हाँ, वही। शुगर केन। गन्ने जैसे मीठे हो आप फादर, यही मतलब है ना उसका? फादर लड़कियों में थोड़ा क्या? अरे वो तो ऐसे ही कहते हैं। इस मामले में शक के दायरे में सभी हैं, आप भी हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये मत सोच लेना कि बच गए, घूम फिर कर वापस आना होगा। हाँ रामदास, इन सब के फिंगरप्रिंट्स ले। यस सर। जब तक मैं ना कहूं ये शहर छोड़कर कोई भी कहीं नहीं जाएगा। थैंक्स। क्या? थैंक्स बोला सर। हाँ, और हाँ, अगर अजीबोगरीब कहानियां बनाकर स्कूल में आने वाली पार्वती के साथ आप लोगों ने कोई भी गलत व्यवहार किया या उसे कोई दुख पहुंचाया तो ये रूम है। ओ चाचू। पारू। सोना। हाँ फादर। ये आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, कम ऑन, कैरी ऑन, और तुम सब बाहर आ जाओ। गर्ल्स वर्ल्ड। वी कैन मेक आवर वर्ल्ड अ ब्राइटर हैप्पियर प्लेस। ब्यूटीफुल। ये सब सोना की कलाकारी है? वो नहीं सर, ये गौरी का है, उसकी याद में हमने सब संभाल कर रखा है। ओ, एवरलास्टिंग फ्रेंडशिप। With love from Aloshi. ये Aloshi कौन है? यहाँ के आर्ट स्ट्रीम के हेड हैं, डांस और म्यूजिक के। ओ, क्या तुम्हें Aloshi सर ने दिया है ये? मुझे नहीं, पार्वती को दिया है। आप तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। जी नहीं सर। डर क्यों रही हो?
मुझे जेनिफर की मौत के बारे में कुछ जानना है, बस उतना ही, और पार्वती के बारे में भी। पार्वती मेरे भाई साहब की बेटी है, पता है ना? पता है सर। पार्वती को लेकर कुछ रूमर्स फैले हैं, क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? जब से मैं पार्वती की अच्छी दोस्त बन गई हूँ, उसका बिहेवियर कुछ अजीब हो गया है। कभी कभार गौरी जैसे कपड़े पहनती है, उसकी तरह बालों को भी संवारती है। पहले मैंने गौर नहीं किया था, पर धीरे धीरे पता चलने लगा। एक बार तो तबीयत खराब है ऐसा कहकर वो क्लास में से निकल गई, लेकिन हॉस्टल नहीं गई। फिर आनंद से मिलने गई थी। आनंद से मिलने गई थी वो? उसे कैसे जानती है? मैंने भी उससे यही पूछा था, पर उसने बराबर जवाब नहीं दिया। अच्छा बेटा, जेनिफर के मौत के बारे में तुम्हें कुछ कहना है? एक मिनट। ये देखिए सर, पार्वती की केमिस्ट्री नोटबुक। जेनिफर, डर्टी डेविल। हे, क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है सर। क्यों? पार्वती और मैं एक ही साथ एक ही रूम में। इसमें क्या डरना, ये सब तुम्हारा वहम है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, रिलैक्स। मैं ये ले जा रहा हूँ, ये भी। हमारे बीच जो बात हुई पार्वती को बताना चले, समझ गई? ओके, चीयर अप। सर, आप यहाँ कैसे? अंदर नहीं बुलाओगे? श्योर, प्लीज कम इन। थैंक्स। अब बैठिए ना सर। नहीं, ठीक है, मैं वो बच्चियां और जेनिफर की मौत के केस के सिलसिले में कुछ जानकारी के लिए आया हूँ। आलोशी, क्या इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हो? बहुत अच्छी लड़कियां थी सर, मैं उन्हें डांस सिखाता था, लेकिन जेनिफर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। वाई? क्योंकि उसका चाल चलन, उसके बात करने का तरीका, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुरुन्नीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय शिष्य को, मेरी खूबसूरत जान को, इस गुरु की प्यार भरी शुभकामना। अलोशी, एक गुरु का शिष्य को शुभकामनाएं देना गलत नहीं है, मगर इसके कुछ शब्द सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है। सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस गुरु शिष्य का जो नाता है। ओके ओके, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अलोशी, अकेले रहते हो क्या? हाँ, पर क्यों सर? एक ग्लास पानी मिलेगा मुझे? श्योर, मैं अभी लाया। आप बैठिए ना सर। हाँ, थैंक्स। ये तो स्कूल में टीचर है ना? हाँ सर, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। ओ अच्छा। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, लेकिन ये सब कुछ दिन में ठीक नहीं है, सुना? क्या सर? ये पीना बीना। ओके, चलता हूँ, गुड लक। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हे भगवान! पारू, पारू! पारू, बेटी, क्या है ये सब? क्या कर रही हो ये सब? पारू, संभल के मां, कहीं लगी तो नहीं? धीरे चाचू।
ये सब क्या हुआ यहाँ पर? चाचू आपने मुझे मारा क्यों? जाने दो, कोई बात नहीं। क्या क्या हो गया था तुम्हें? बेटा तू अपने चाचा और दादी को बहुत परेशान करती है। मैं कब? ठीक है आओ चलो, कुछ नहीं, चलो माँ। अब तुम्हें कैसा लग रहा है बेटा? बहुत दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी, चलो सो जाओ। बेटा श्री, क्या हुआ है उसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, भाई साहब जो भी हुआ है उसे सब कुछ सच बता दे। अब भाई साहब, थोड़ा बुखार है, कोई बात नहीं, पैरासिटामोल से ठीक हो जाएगा। फिलहाल इसे आराम की जरूरत है। हाँ, इसे स्कूल मत भेजिएगा। ओके बेटा, कुछ खाओगी तुम? सर, आपका भूत और प्रेत जैसी बातों पर विश्वास है? वैसे इन सब चीजों पर अभी रिसर्च चल रहा है। फिर वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? स्कूल में तो सभी का कहना है कि पारो बहुत अच्छी लड़की है, फिर वो ऐसा क्यों? पता नहीं, मेरे हिसाब से तो शी सीम्स टू बी अ नॉर्मल गर्ल। फिर भी अगर आप चाहे तो एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करके देख सकते हैं। वेल, डॉक्टर सकारियाज मेंटल हॉस्पिटल विल बी अ बेटर ऑप्शन। अभी तक तो बिल्कुल ठीक रहने वाली एक नॉर्मल सी बच्ची का इस तरह बदल जाना और फिर कल का उसका बर्ताव, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग रहा है मैडम। फिर भी डॉक्टर सकारिया को कंसल्ट करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। भाई साहब के आने तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, शी विल बी ऑल राइट। कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लीजिए। ओके बेणु, बेणु ठीक तो हो? कहीं लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वेणु अंकल, वेणु अंकल, वेणु अंकल क्या हुआ? चाचू क्या हुआ इनको? अब कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ। माँ इसे अंदर ले जाओ। चलो बेटा। ये क्या, कैसे? तू अंदर चल, चल। मेरे जीवन में ये ऐसा पहला अनुभव है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इसका कोई इलाज है? अब देर नहीं करनी चाहिए, टेक हर टू मेंटल हॉस्पिटल इमीडिएटली। फिलहाल नींद का एक इंजेक्शन दे देता हूँ। पारू कैसा लग रहा है बेटा? बहुत थकान महसूस हो रही है चाचू। वेणु अंकल तुम्हें एक इंजेक्शन देंगे, ठीक है? चिंता मत करो, कल सवेरे तक बुखार चला जाएगा। इसे आराम करने दीजिए। ओके चलता हूं माँ जी। सो जाओ बेटा। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है चाचा। आंखें बंद करके भगवान का नाम लो, नींद आ जाएगी। सो जा। मुझे डर लग रहा है, मैं सो जाऊं तब तक मेरे पास रही है ना चाचू? ठीक है बेटा। ओ मेरी नन्ही सी परी, ओ मेरी लाडली राजदुलारी। ओ मेरी नन्ही सी परी, ओ मेरी लाडली राजदुलारी। आ गई रहना निंदिया तू, आ जा ले चल सपनों की नगरी। आरो आरारो आरारो आरो, ओ मेरी नन्ही सी परी, ओ मेरी लाडली राजदुलारी।
आ गई रहना निंदिया तू आ जा ले चल सपनों की नगरी आरो 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 वास्ते ओ मेरी जान एक कर देंगे हम जमी आसमान तू जो कहे तो ले आएंगे सूरज चंदा सितारे यहाँ तेरी हंसी तेरी खुशी मेरे ये दोनों जहाँ ओ मेरी नन्ही सी परी ओ मेरी लाडली राज दुलारी आ गई रहना निंदिया तू आ जा ले चल सपनों की नगरी आरु 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 सुने है रात दिन तेरे बिन सुना है ये जहां कैसे कटेगी ये जिंदगी जिस दिन जाएगी पिया के यहाँ खुशी भी होगी गम भी होगा रोएंगे मेरे ये नैना ओ मेरी नन्ही सी परी ओ मेरी लाडली राज दुलारी आ गई रहना निंदिया तू आजा ले चल सपनों की नगरी आरो 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 ओ मेरी नन्ही सी परी आ गई रहना निंदिया तू आजा आरो 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 बस हो गई पढ़ाई उठो उठो चलो सो जाओ गुड नाइट गुड मॉर्निंग सर हाँ गुड मॉर्निंग आओ सर ये रहा लैपटॉप ठीक हो गया है डिस्प्ले में ही कुछ खराबी थी सर मोबाइल फोन के डिटेल्स आ गए हैं कुछ पता नहीं चल रहा अजीब है सर ना तो उनसे कोई कॉल किया गया है और ना ही रिसीव किया गया है हाँ मतलब ये बड़ा ही कैलकुलेटिव है बहुत ही चालाक बुद्धि है इसके पीछे ठीक है देखेंगे यस सर रामदास कम बैक यस सर ये देखो मरी हुई उन तीन बच्चियों के अलावा उस गर्ल्स हॉस्टल के 80% बच्चियों के न्यूड फोटोज हैं इसमें आई मीन बाथरूम सीन्स हाँ साइबर सेल कनेक्ट मी टू मिस्टर गिरीश मेनन इट्स सो क्रूल सर एसपी श्रीकांत हियर मिस्टर मेनन मैं जो डिटेल्स दे रहा हूं उसे नोट कर लीजिए www.yh-sola.com then yh.sola@gmail.com yeah another one jenny.80@hotmail.com ये जेनी के मेल में सेंड किया हुआ yh.sola@gmail.com इसके मालिक के डिटेल्स लोकेशन एंड डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर
ये सब कलेक्ट कर लीजिए विद इन नो टाइम। मुझे लगता है ये नॉर्थ इंडियन नाम है, शायद ये कोई कोड हो। क्या लगता है सर? ये ईमेल एड्रेस जरा लिखना, yh.sola yh.sola। ओके, इसे अभी राइट से लेफ्ट उल्टा लिखो, yh.sola। सर, इट्स अलोशी। यस, अलोशी। तुम वहां जाओ, तुम वहां। बजा लिया तो फिर चलें? मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूं, पहले चल तो सही, सब समझ में आ जाएगा। चल। चलो, ले चलो सारे को। नमस्कार, ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ रश्मि। आज के मुख्य समाचार। विधानसभा की बैठक में आज विपक्ष का जबरदस्त हंगामा हुआ, मुख्यमंत्री पर जांच कमेटी बिठाने का दबाव डाला जा रहा है। माउंट एकेडमी स्कूल की स्टूडेंट्स की मौत के केस में एक नया खुलासा हुआ है। केस के सिलसिले में डांस टीचर अलोशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी श्रीकांत जो इस केस को देख रहे थे, उनके दल ने आरोपी को दबोच लिया है और उसे अदालत में पेश करने जा रहे हैं। घटिया इंसान। कमीने, कोर्ट ने भले ही तुझे जमानत दे दी पर तू बचेगा नहीं। अरे, तू अध्यापक शब्द का मतलब समझता है? क्या समझकर तूने उन मासूमों का ये हाल किया? तू जीने के लायक भी नहीं है। तू कानून से भले ही बच जाए पर मुझसे नहीं बचेगा। क्या मारेगा? खुद मर साले। Get lost। बेटी, हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा ले, मेरी बच्ची को बचा ले भगवान। पारु, हे भगवान,
मेरी बच्ची, भाई बेटा, मारो सिले रहो, चल लेट वहाँ, पाँव पकड़ो उसके, दबा कर रखो, पाँव दबा कर रखो, लाओ चलो माँ क्या हो गया बचा ले माँ फिलहाल उसे आराम करने दो। मैं डॉक्टर सखारिया से मिलके आता हूँ। नहीं, तू जा और उस तांत्रिक को बुला कर ला। क्या? उस तांत्रिक को? कोई जरूरत नहीं। ये डॉक्टर का काम है, वो संभाल लेंगे। इस मामले में मैं जो कहती हूँ वही कर। कौन है तुम? बता कौन है तू? नहीं बताऊंगी। बताने में ही तेरी भलाई है। इसे चक्र के अंदर ले आओ। अब बता कौन है तू? मैं कौन ही हूं? क्या चाहिए तुझे? तू पार्वती के शरीर में क्यों आ बैठी है? मारने, मुझे बर्बाद करने वाले को मारने। गौरी, तुम सामने से भी ज्यादा तस्वीर में खूबसूरत लगती हो, और तुम्हारी इसी खूबसूरती को मैंने मोबाइल में कैद कर लिया है। जब भी मैं तुम्हें डांस सिखाता हूँ ना, तब तुम्हारे इस जिस्म की खूबसूरती को निहारते रहता हूँ। तुम्हारे जैसी खूबसूरत बला को पाने वाला आनंद बहुत ही किस्मत वाला है। उसकी थोड़ी सी किस्मत आज मुझे भी चाहिए। अरे रुक, कहाँ जा रही है? आज कहीं नहीं जाने दूंगा तुझे। छोड़ दो मुझे। नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ। छोड़ दो, छोड़ दो। अरे गौरी, 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 गौरी।
गौरी क्या हुआ? गौरी बताओ ना क्या हुआ? ए गौरी, मैं जो बोल रही वो सुनना, तू जल्दी रेडी होके क्लास में आ जा। नहीं, अब मैं वापस क्लास में कभी नहीं जाऊंगी। तेरी जो मर्जी है वो कर, सबको पता चलेगा तभी चैन मिलेगा तुझे। गौरी प्लीज, ट्यूशन खत्म होते ही सोना आ जाएगी, उसे पता चला तो हो गया फिर। बात को समझ गौरी, तू अब रोना बंद कर प्लीज। ओके बाय। हे, क्या हुआ? कल रात से तेरा मूड इतना ऑफ क्यों है? कल इसकी मम्मी का फोन आया था, तभी से रोना शुरू कर दिया। इसके पापा और मम्मी अलग अलग रह रहे हैं ना, इसीलिए रो रही है। अरे कोई बात नहीं, देखो रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह तुम योगा के लिए भी नहीं आई, देखो ये ठीक नहीं है। क्लास मिस मत करो, बी रेडी, कम ऑन। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कहाँ थी अब तक? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ थी तुम? मैम, she has some family issue. Then you take leave and go to your home. मैम, सिर्फ गौरी नहीं, कल्याणी और एलिना भी जब से पिकनिक से वापस आए हैं, तभी से मैं देख रहा हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। कुछ नहीं है मैम। तुमसे पूछा? Sit down. Okay, get in. बाबा बाबा, मैंने तुम सबको यहां क्यों बुलाया पता है? एक बात बतानी थी। तुम तीनों बहुत ही अच्छी लड़कियां हो। हमारे बीच जो हुआ वो तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? लेकिन मेरी एक और इच्छा अभी बाकी है, तुम दोनों के साथ। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ओके ओके, गौरी ओपन योर मोबाइल प्लीज। देखो इस मोबाइल से इसमें पहुंच गई जिस्म की खूबसूरती, आई मीन न्यूडिटी, जो अब तक सिर्फ मैंने देखी है, लेकिन अब ये गौरी के मोबाइल में भी पहुंच चुकी है। और ऐसे ही जितने मोबाइल में चाहूं मैं इसे भेज सकता हूं, इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को दिखा सकता हूं। मैं ऐसा करूं? नहीं ना, नहीं करूं ना। ओके, कोई बात नहीं, आराम से सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि तुम सब अच्छी लड़कियां हो ना। I know you all will take only wise decision. Okay? Bye. गौरी प्लीज,
हम यहाँ तुम्हारा रोना धोना देखने आए क्या? नहीं ना, सो टेल मी व्हाट हैपेंड। कुछ भी नहीं, बोला ना तुम्हें। फिर हुआ क्या है, रो क्यों रही हो? छोड़ो मैं जा रहा हूँ। आनंद सुनो, क्या हुआ है तुम्हें? नहीं कुछ भी नहीं, मेरे बारे में सोचकर तुम परेशान मत होना, सब परेशानी दूर हो जाएगी, मैं दूर करूंगी। मर जाती तो अच्छा होता, वरना हम दोनों फंस जाएंगे, हमारे राज का पर्दाफाश हो जाएगा। फिलहाल तुम किसी से कुछ मत कहना, अपनी हिम्मत से काम लो, मैं अभी पहुंचता हूं वहां। उसका कमान, जल्दी मुंह खोलो, मुंह खोलो उसका। पी ले थोड़ा। पीले पीले पीले। बच्ची मेरे से नाराज है तू? गुरु जो भी कहे उसे हमेशा मानना चाहिए। अब सो जा बच्ची, चलो चलो यहां से चलो। कौन है? कौन है? पार्वती तुम इतनी रात को? सर वो अपने डांस का सेकंड स्टेप भूल गई हूँ, बताइए ना सर। आधी रात को ये पूछने आई हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए आ गई सर। पारू, 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 कहाँ गई है? भागी न
ಆದರ ಕಡದಗ ಧಗಿನದ ಧಗಿನದ ಆದರ ಕಡದಗ ಧಗಿನದ ಧಗಿನದ ಆದರ ಕಡದಗ 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 ಆದರ ಕಡದಗ ಧಗಿನದ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ तुम चली जाओ यहां से सर। मैंने कहा ना यहां से चली जाओ। गेट लॉस्ट। इतनी जल्दी तो मैं नहीं जाऊंगी। पार्वती पार्वती नहीं, मैं कौरी। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करो प्लीज। मैं भी चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही थी पर तुमने नहीं सुना। तुम्हारी हवस के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। नहीं, नो, प्लीज डोंट किल मी, डोंट किल मी। पारू, पारू, पारू बेटा, पारू, बेटी, बेटी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो माँ, क्या हुआ? अब क्या बताऊँ बेटा, वो रात भर सोई नहीं। तेरे जाने के बाद फिर से उसे दौरा पड़ा था। बड़ी मुश्किल से उसे कमरे में जाकर बंद किया। तुझे इतनी देर क्यों हो गई? सब बताता हूँ, आओ। कोई बात नहीं, आ जा बेटा, रो मत, आ सो जा। तुम बहुत कमजोर लग रही हो बेटा। मुझे कुछ नहीं हुआ है चाचू, आप सबको गलत लग रहे हैं। बेटा मुझे सब पता है, अभी फिलहाल चाचू जो बोल रहे हैं वो सुन लो। सुनोगी ना तो आओ सो जा। तूने जो सोचा वैसा हो गया ना, अब निकल जा यहाँ से। नहीं, और भी कोई है जिसे मुझे ले जाना है। मेरे आनंद को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चुपचाप चली जाओ। नहीं, मैं अपने आनंद के बिना नहीं जाऊंगी। क्या हुआ, पारू कहाँ गई? वो बच के निकल गई। वो आनंद को मार दे, इसके पहले हमें उसे बचाना होगा। वो मरना नहीं चाहिए, उसे यहाँ ले आने पर वो भी आ जाएगी। मैं ले आऊँ? हाँ, और ये उसके हाथ में पहना देना, तो वो उसे कुछ नहीं कर पाएगी। वो अभी उस पथरीले पहाड़ पर होगा। आगे मत बढ़ो, वो पार्वती नहीं है, उसके साथ मत जाओ, गौरी है। हाँ?
छोड़ो छोड़ो मुझे। अनंत छोड़ उसे। चलो छोड़ो मुझे। चलो अनंत। अनंत इसे यहां बिठाओ। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ओम फट स्वाहा ओम फट स्वाहा स्वाहा ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ओम फट स्वाहा ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ओम फट स्वाहा ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे ओम फट स्वाहा ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे पार्वती। क्या हुआ, डर गए क्या? डरना मत, मैं जा रही हूँ कहीं दूर, बहुत दूर, तारों की दुनिया में। लेकिन एक बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा, जाने से पहले मैं आनंद से अपना दुख नहीं बांट सकी। ओम फट स्वाहा। क्या हो गया, गया मेरी बच्ची को? कोई देखो इसे क्या हो गया। तारो क्या हो गया मेरी बच्ची को, क्या हो गया देखिए। डरने की कोई बात नहीं है, अब तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो गई। ओम फट स्वाहा ओम फट स्वाहा ओम फट स्वाहा। ये सब क्या है चाचू? पारू बेटा, मैं यहाँ कैसे आई? क्या हो रहा है मुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ मुझे? इसे आप लोग अंदर ले जाइए, थोड़ा आराम करने दीजिए। ये सब क्या है चाचू, मुझे बताओ मुझे क्या हुआ? ग्रीन हाउस 9 अखिला, 10 जैकब, 11 किरण, 12 सारिका, 13 पार्वती। गुड मॉर्निंग फादर। मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। टेक योर सीट। थैंक यू। नेक्स्ट 14 प्रियंका, 15 सोनाली, 16 सचिन। ओके रेड हाउस। हाँ कौन बोल रहा है? अच्छा क्लास में कब पहुंचे? ओके ओके। क्या फादर, स्कूल में इस साधन का मोबाइल फोन का उपयोग उचित नहीं है। बच्चों को मना करके उच्च अधिकारी खुद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फोन बहुत जरूरत के समय पे काम आने वाला साधन है, उसी तरह इसे इस्तेमाल करने का तरीका और जगह भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे स्विच ऑफ करके रख देते हैं। सॉरी फादर। नो नो, यू हैव डन द राइट थिंग। थैंक यू। पारू बेटा यहाँ आओ। अजीब है ये, क्या फ्रेंड्स को देने के लिए स्वीट्स खरीदे और कार में ही भूल गई? ओह सॉरी चाचू। किस खुशी में? टुडे इज अगस्त 13th, हर बर्थडे। ओह मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू फादर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।